Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। शाजापुर और राजगढ़ जिले के 12 गांवों के लगभग 300 परिवार परेशान हैं इस कुप्रथा से। हम बात कर रहे हैं दोनों जिलों में बसे उन 300 खड़क पाटीदार परिवारों के सदस्यों की, महिलाओं की जो अपने ही समाज के धनाढ्य लोगों की नजरों में डायन है। गौरतलब है कि शनिवार दोपहर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर में दर्जनों खड़क परिवार समाज के युवक युवतियों सहित वरिष्ठ जन पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को एक आवेदन देकर उनके समाज में चल रही कुप्रथा को खत्म करने की मांग की है। यह कुप्रथा समाज की स्कूली छात्रों एवं वरिष्ठ महिलाओं के अनुसार उनके समाज में वर्षों से एक कुप्रथा चली आ रही है, जिसमें निम्न वर्गीय घरों की बुजुर्ग महिलाओं को डायन समझा जाता है। अब अगर ये डायन महिला पक्की रसोई खाना बनाती है और उस खाने को अब कोई दूसरी महिला या बच्ची खा लेती है तो वो भी डायन बन जाती है, जिसके चलते आज दर्जनों घरों में लड़कियों को डायन समझा जाने लगा है। यह कुप्रथा सिर्फ खड़क पाटीदार समाज के निम्न वर्गीय घरों में है, जबकि इसी समाज में धनाढ्य वर्ग में भी यह कुप्रथा नहीं है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ व शाजापुर जिले में खड़क पाटीदार समाज के 12 गांव हैं, जिसमें से 9 गांव राजगढ़ जिले में हैं, 3 गांव शाजापुर जिले में हैं। शाजापुर जिले का गांव है कटवाला गांव, निचोद और लाड़खेड़ा, 2 गांव ये। यहाँ तो एक एक दो दो परिवार है, बाकी कटवाला में 70 परिवार हमारे हैं। 70 परिवारों में से लगभग 20 परिवार इस कुरीति से पीड़ित है और बाकी गाँव में मिला के 12 गाँव में हमारे लगभग 100 परिवार इस कुरीति से, डायन कुप्रथा से पीड़ित है। तो इसको समाप्त करने के लिए समाज की कुछ जागरूक महिलाओं ने प्रयास किया था और उन्हें सफलता भी मिली थी, किंतु हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ लोग जो धनाढ्य लोग हैं, उन लोगों की संख्या जब कम होने लगी समाज में, तो उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया। वो तरीका ये है कि हमारे कटवाला में हमारी कुलदेवी माता जी का मंदिर है, उस मंदिर में वो उन महिलाओं को ले जाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जो इनकी जो खास होती हैं, उनको ले जाके वो चरणामृत दिला के वापस अपनों में शामिल कर लेते हैं। मतलब वो जिनको चाहते हैं उनको पवित्र कर लेते हैं, वो जिनको चाहते हैं उनको अपवित्र कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। ऐसी स्थिति है। इन लोगों से आपकी बात नहीं हुई? हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर हमारे पाटीदार समाज का, राजगढ़ जिले का संगठन, पूरी ताकत से इन लोगों ने प्रयास किया। हम लोग जो इसकी जो मेन भूमिका निभा रहे हैं विरोध में, अमृतलाल जी पाटीदार है, जो पहले पाटीदार समाज के जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनके घर भी गए हमारे वर्तमान के जिला अध्यक्ष जी, मैं खुद भी गया महामंत्री होने के नाते, और भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग, संगठन के लोग सब गए। हम लोगों ने उनसे बात की पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि आप कुप्रथा छोड़कर आगे बढ़े? हाँ, वो चाहते ही नहीं बिल्कुल। सर, हमारे समाज में कुछ महिलाओं की गलत अवधारणा है कि कुछ महिलाओं को डायन समझते हैं, उन्हें हर कुछ विषकन्या, हर कुछ नाम से पुकारते हैं। इसके लिए हम मैम से इंसाफ, सर से इंसाफ मांगने आए हैं कि मतलब पूछे तो विपक्ष हमें बताए कि ये हमें डायन क्यों समझते हैं, इसका क्या कारण है। आप पढ़ती हो? जी सर। आप लोग भी आइए इसी सिलसिले में। हाँ सर, हम भी इसी सिलसिले में आए। हमारे समाज में जो डायन कुप्रथा चल रही है, उसके जो हमें बिना वजह से कोई भी कुछ भी बोल देता है, जैसे कि डायन बोलता है, कोई विषकन्या बोलता है, इसकी वजह क्यों बोलते हैं? बस वही बोल रहे हैं, बोलते बस यही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, आप हमें क्यों बोल रहे हो? कितनी पीढ़ियां निकल गई, नानी पर नानी, उनको बोलते थे मम्मी, अब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, चाहे नवजात एक महीने की बच्ची हो, उनको डायन की नजर से देखते हैं। तो ये आपके समाज वाले बोलते हैं को दूसरे बोलते हैं? नहीं, हमारे समाज वाले बोलते हैं, पर ये लोग दूसरे को जाकर बोलेंगे तो फिर तो सभी बोलेंगे ना दूसरी समाज वाले, लेकिन वो ऐसा नहीं रखते हमारे से भेदभाव। मतलब सिर्फ कुप्रथा आपके समाज में ही? हाँ, ये बस पाटीदार समाज, खड़क पाटीदार, खड़क पाटीदार है 12 गांव वाले, बस उन लोगों में चल रही है। शाजापुर जिले में कौन सा गांव है आपके? शाजापुर जिले में इसका मेन गांव है कटवाला, उचोद और लालगेड़ा, 3 गांव है। तो वहाँ पर आप सबको अभी भी पुरानी उसी में बोलना पड़ेगा? पुराने उसी में, यदि हमने किसी चीज को टच भी कर दिया तो लोग खाना नहीं खाएंगे, फ्राई करी हुई चीज को, वो बोलेंगे कि इसमें तो अब जहर हो गया और इसको खाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जीने का अधिकार है और समाज में रहने का भी अधिकार है, तो इन लोगों को
सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या है पूरा कुछ? ये पहले से ही चली आ रही है प्रथा। क्या छुआछूत की? छुआछूत की अगर मैंने इनका लोगों का हाथ का खाना खा लिया तो ये मुझे भी छोड़ देंगे। बातचीत भी नहीं करेंगे? नहीं, बातचीत तो करेंगे लेकिन जो फ्राई करी हुई चीजें हैं वो नहीं खाएंगे और सिर पे हाथ भी नहीं रखते। और तो उनकी लड़की आपको दे दे? हाँ, और आपका लड़की नहीं लोगे? आपकी लड़की ले नखरा करे ले ले तो जाए पर किचन में नहीं जाने दो पर खाए भी नहीं उसका हाथ का। और जो इनकी तो बोल रही है कि हमारे चलो निकल गई पर ये आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? इनका क्या होगा? और ये आने वाली थोड़ी नहीं मानती है पीढ़ियों का। और विष्कन्या बताया जा रहा है उसको तो नहीं बोलती है विष्कन्या। तो पक्की रसोई जी खाते हैं आपका? जैसे ये लड़के इसका क्या भविष्य क्या है? इसका भोजन हाथ भी लग जाता है फेंक देते बोलते फेंक दे कोई नहीं किया। ये लोग अपना पाटीदार समाज के हैं। एक विशेष पाटीदार समाज का वर्ग होता है जिसको खड़क पाटीदार कहते हैं। इनके कुछ गांव हमारे राजगढ़ जिले में आते हैं और कुछ गांव जो हैं वो हमारे शाजापुर जिले में आते हैं। तो इनका ये कहना है कि इनको इनकी महिलाओं को डायन कह के इनके साथ जो है असमानता का व्यवहार किया जाता है। इनके हाथ से खाना नहीं खाया जाता है और इनमें एक छुआछूत की प्रथा का प्रचलन है। तो इसके संबंध में इन्होंने हमें इसका ज्ञापन दिया था और इसका हम जो है अपने स्तर पे और जो सामाजिक न्याय विभाग है उससे संपर्क कर लोगों में इसके प्रति जो जागरूकता फैलाएंगे और जो लोगों में समझाइश देंगे। यदि कोई इस प्रकार के आज के समय में कार्य करता है तो उसके विरुद्ध तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर से शाकिर शेख की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा जागरूक सप्ताह के अंतर्गत मंगलीपुरा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल की छात्राओं ने पेंटिंग के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करते हुए संदेश दिया कि महिला अबला नहीं सबला है, हम कमजोर नहीं है, जो हमें कमजोर समझने की भूल करेगा वह धोखा खाएगा, नारी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने संदेश दिया कि बालिकाएं और महिलाएं सशक्त बने और अपने अंदर हीन भावना न पनपने दे। इस मौके पर विशेष संदेशात्मक पेंटिंग बनाने के लिए लगभग एक दर्जन छात्राओं को नगर पालिका परिषद हरदोई के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने कप व शील्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज की महिलाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आज महिलाएं किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं है। जैसा कि हमारे प्रदेश में नारी सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है उसी के संबंध में हम लोगों ने श्री डाल सिंह स्कूल से पोस्टर बनाया, उसके माध्यम से बताया और स्त्रियों को सलाह दी कि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए और किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अपना कार्य खुद कर सकेंगी और अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगी। इसलिए हम लोगों ने उनको पोस्टर बना के संदेश दिया है कि आज की नारी अबला नहीं सबला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी महिला को सहयोग चाहिए हो तो वो अपने जिले की पुलिस को 100 डायल करके उन्हें बुला सकती हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। दीवानी कचहरी में जिला जज चंद्र मौली शुक्ल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमों का निपटारा पक्षकारों की आपसी रजामंदी में कराए गए, पारिवारिक मामलों को सुलह समझौते से निपटाए गए। इसी कड़ी में मोटर दुर्घटना प्रति कर के काफी मामले निपटाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले सर्वमान्य होते हैं, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं हो सकती है। लोक अदालत नोडल ऑफिसर रामकरण और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनुराधा पुंडीर की देखरेख में संपन्न हुई। आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है इसमें किस किस तरीके के मुद्दों का निस्तारण कराया जा रहा है और कोई खास बात, कोई ऐसा खास मुद्दा रहा हो जो कि नजीर बन सकता है लोगों के लिए? जिला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में पारिवारिक मामले 138 के मामले और कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस का निस्तारण किया गया और भी कई कैटेगरीज थी, वो पूरी लिस्ट हमने न्यायालय में दी है। फैमिली कोर्ट से हमको फिगर जो मिली है उसमें श्रिया दुलारी श्री प्रकाश 125 का मुकदमा था, इसमें समझौता हुआ है, पार्टीज दोनों आराम समझौता करने के बाद घर गए हैं साथ में। इसके अलावा और किस प्रकार के मुकदमों का निस्तारण हो रहा है? इसमें जो रेवेन्यू के मुकदमे, राजस्व के मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पे पेंडिंग वो वाले हैं
और सिविल के मुकदमे हैं, सक्सेशन वाले मुकदमे हैं, बिजली के बिल जो चोरी के मामले नहीं है, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वो सब हैं, और क्रिमिनल कंपाउंडेबल ही है उसमें, केवल क्रिमिनल कंपाउंडेबल और पेटी ऑफेंसेस जो होते हैं वो वाली कैटेगरी है क्रिमिनल के, और मोटर यान दुर्घटना से संबंधित वाद है। इन मुकदमों के लिए मतलब जो निस्तारण हो जाता है, खास बात क्या है? ये लोक अदालत में जो मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निर्णीत होते हैं, इनमें जो डिग्री होती है उसकी कोर्ट की डिग्री की भांति ही मान्यता होती है, उसको एग्जीक्यूट भी कराया जा सकता है, और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती सुलह समझौते जो लोक अदालत का फैसला होता है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज हरदोई पुलिस के आला अधिकारियों ने राजकीय महाविद्यालय में पाठशाला लगाकर विद्यालय में मौजूद छात्राओं को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां दी। सीओसीडी शैलेंद्र सिंह राठौर ने छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपका एटीएम कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर या कोई अन्य कोड के बारे में जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल मत दें, क्योंकि ये साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराध होते हैं। नंबर देते ही आपका अकाउंट कुछ सेकंड के अंदर खाली कर देते हैं, और कभी भी एटीएम में पैसे निकालते समय किसी अनजान व्यक्ति की मदद ना ले, नहीं तो कभी भी आप धोखा खा सकते हैं। सीओसीडी शैलेंद्र सिंह राठौर ने महाविद्यालय की छात्राओं को साइबर क्राइम से जुड़ी काफी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। रात को इंतजार करता है कब रात के 11:30-12 बजे हम एटीएम पे पहुंचे। हर दिन 40,000 रुपए एटीएम से आप निकाल सकते हैं, तो रात 11:30-12 बजे पहुंचता है एटीएम से, उसने डाला एटीएम, 40,000 निकाल लिए। उसके बाद जैसे रात के 12 बजे दिन चेंज हो गया, फिर 40,000 निकाल लिए, और रात में आप आराम सो रहे हैं, मैसेज आ रहा, कौन देख रहा, और जब तक आप खबर करते हैं तब तक आपके पूरे 80,000 रुपये तो चले ही जाते हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सिकंदरा विधानसभा की सीट अभी हाल ही में मथुरा पाल जी के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां पर 21 दिसंबर को चुनाव होना है। उसी सीट से पाल जी के पुत्र अजीत पाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते आज बनीपारा के पास रामपुर में अजीत पाल जी ने लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क किया और कमल के फूल पर वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की, और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई व लोगों से पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा कराने का वादा किया। इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि आपके पापा कई पंचवर्षीय विधायक रहे यहाँ से, और रनिया क्षेत्र से भी रहे, रनिया अकबरपुर से, तो आप क्या क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हैं कि आप अपनी पापा की तरह छवि बनाएं और पब्लिक में विश्वास जताएं? हाथ जोड़ के आप लोग यही प्रार्थना है, जैसे पिताजी ने मेरे विकास किया था सवाखेड़ा में, और यहाँ थोड़े समय के लिए आपका बीमार होने के बाद थोड़ा कार्य नहीं कर पाए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ पापा की तरह, पूरा क्षेत्र का विकास करेंगे जैसे सोनखेर वर्णन कराया था। ये क्षेत्र कुछ जैसे ये आपका सिकंदरा क्षेत्र है, ये साइड में पड़ जाता है, अक्सर ये होता है कि क्षेत्र जो साइड में पड़ जाता है वहाँ ध्यान कम जाता है, मतलब विकास कार्यों का, और इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कोई मतलब व्यवस्था भी नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं, गंदगी भी है लोगों का कहना है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? पूरा प्रयास करेंगे, जो भी समस्या है उसको पूरा दूर करेंगे। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय रामपुर विकास खंड झिंझक कानपुर देहात में गंदगी के ढेर पर चल रहा है विद्यालय। बच्चों के लिए बने शौचालय की बाउंड्री वॉल गेट टूटे पड़े हैं और घास खड़ी है। वही विद्यालय में 10:10 पर ताला लगाया गया, बच्चे बाहर खेल रहे थे, और 10:15 पर जब शिक्षा मित्र सुमनलता यादव ने स्कूल का ताला खोला तो पता चला प्रधान अध्यापक राम सेवक पाल 2 दिन की छुट्टी पर है, और शिक्षा मित्र राहुल पांडे व राकेश तिवारी बिना किसी सूचना के विद्यालय में गैर हाजिर पाए गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से विद्यालय में अव्यवस्था फैली है। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर के संदलपुर चौकी के सामने खड़े ट्रैक्टर में कोमनी वाले ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बताया जाता है कि ड्राइवर नशे की हालत में था, जहां पर घायलों को CHC में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात से कैमरामैन इस्माइल के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सीमा सचान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जहां एक ओर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में सपा का जनाधार बढ़ने और भाजपा का जनाधार घटने का दावा किया, तो वहीं उन्होंने सिकंदरा विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सीमा सचान की जीत का भी दावा किया। वहीं उन्होंने भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर प्रहार किया, कानून व्यवस्था से लेकर बिजली की बड़ी दरों के लिए भी भाजपा की सरकारों को घेरा। वहीं सिकंदरा विधानसभा के उपचुनाव के लिए सपा द्वारा बार बार प्रत्याशी बदले जाने और सपा के दो गुटों में हुई मारपीट पर बचाव करते हुए कहा कि सपा में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, सभी मिलकर चुनाव जीतेंगे। आज आए हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सीमा सचान के इस कार्यालय उद्घाटन समारोह और यहाँ के पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से कार्यकर्ताओं से मिलने। लेकिन माननीय मंत्री अध्यक्ष जी, जो 4 तारीख को जिन लोगों के बीच में वार्तालाप हुई और थाने कचहरी तक मामला पहुंचा, समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी ऐसी है। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। जनाधार भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का है और माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रीमती सीमा सचान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। पहले जिन्हें दिया गया तो उनसे भी हमारी बात हुई है और हम सब लोग मिल करके इस चुनाव को जीतेंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर के साथ ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में 637 नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों का चुनाव हुआ। 637 जगहों में 477 जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई। कानपुर देहात से कैमरामैन शहजादी के साथ रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। बुरहानपुर के पास ग्राम भोपनर में घर में घुसकर छेड़खानी की घटना सामने आई। आहत फरियादी के साथ गांव के दो युवकों द्वारा घर में घुसकर कपड़े फाड़ कर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत थाना जाकर की। दोनों आरोपियों द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं घर में अकेली थी, मेरे घर में मैं झाड़ू लगा रही थी और हमारे गांव के विजय और मुकेश मेरे घर में आए, उनसे कहने लगे कि मुझे हमें बिजली का सामान दो। जब मैं बिजली का सामान लेने घर के अंदर गई तो दोनों घर के अंदर आ गए और मुझे ऐसा पकड़ लिया और छुमा झटकी करने लगे और उससे मेरा कुर्ता भी फट गया और मेरी छाती भी दबा दी। तो फिर मैं चीखी तो हमारे गाँव के रास्ते से जाने वाले राजेश और उनके भाई और उनकी पत्नी आए और उन्होंने मुझे बचाया और कहने लगे और उन्होंने उनको और दोनों ने उनको छोड़ा और मुझे छोड़ा और उनको पकड़ लिया और उनको मारने लगे जिन्होंने मुझे बचाया और फिर उन्हें मारा और फिर उन्होंने मुझे बचाया। तो इनको कहा कि तुमने इनको बचाया, अब देखो तुम्हारी भी हम खटिया खड़ी करते हैं और लड़की को भी हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तुम हमारे साथ जो भी कर लो हम नहीं डरने वाले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी देखो तुम आगे आगे हम क्या करते हैं। फिर दो हम मैंने मेरी मम्मी पापा जब मेरे घर पे आए तो मैंने उनको थाने में ले गई। और आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी? हाँ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की और गाड़ी बुलाई और पुलिस में रिपोर्ट की है। अभी वो दोनों जेल में बंद है। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बुरहानपुर से राजेश राखोंडे की रिपोर्ट। सबलगढ़ में 1.5 वर्ष से लगे कचरे के ढेर, वार्डवासी परेशान। नपा के वार्ड क्रमांक 10 में 1.5 वर्ष से लगे कचरे के ढेर से घरों की दीवारों में पानी भरने से निर्मित मकान क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नपा अध्यक्ष एवं जनसुनवाई में वार्डवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी नपा अध्यक्ष एवं अधिकारी के कान में 1.5 साल से जू तक नहीं रेंगी। खबर 9 की टीम जब वहां पहुंची तो वार्डवासी ने कहा कि सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई सुनने वाला नहीं है और कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत करने के बाद भी 1.5 साल से कचरा नहीं हटाया गया। पानी आता है दीवार में और जन्नो आ जाता है। जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उससे? हाँ, जो कचरा हो रहा है पूरा दीवार में पानी जन्नो जाता है और भीतर हो जाता है। कितना टाइम हो गया इस कचरे को? ये तो 6 साल ही हो गई। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल? 1.5 साल हो गई रहसे और पानी मर रहा है पूरे घरों में। पूरे में जी बह के जन्नो आ जाता है। आगे कोई सुनते हुए ना? तो जाके सुनवाई करी ना, मैंने आवेदन दे लो। अभी हम कल आए परसों आए ना। मेन रास्ता है। अच्छा, हाँ। कहाँ जाती है ये?
अरे रोड़े किला गेट जाती है जी, बाजार जाती है जी, बेनीपुरा जाती है। नाम क्या है? बाजार जाता है, मेरा नाम जयराम। तो ऐसे आपने नगर पालिका को अवगत कराया क्या? अरे 50 हमारे जने कितने को करवानी। तो क्या कहते हैं अधिकारी? कछु ना को आती ना ठीक भी बेचारे झाड़े बारे आते हैं विकट जाने थोड़े बहुत। अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं कहते इसके बारे में? अध्यक्ष पदक्ष को भी नाने आयो भाई चलक। और जो जमादार वगैरह लगे है वो? हाँ जमादार बेचारे नो कह जाते हैं कोई अध्यक्ष और भी करांगे सीएमओ सर और भी अध्यक्ष या सीएमओ। तो कितना टाइम हो गया इसको यहाँ डले हुए? यहाँ तो नो समझ दो 1.5 साल तो नेट हो गई साहब, बल्कि 2 साल हो गई। अच्छा हाँ कोई इसकी सुनवाई नहीं है। हालांकि आएगा तो आदमी कहता है मेहतर मोहल्ला क्या है। दोबारा बोलो। दुनिया इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वाला ने सत्य कहने वाला कोई है ही नहीं बेंचो ना सुनने वाला ही। सत्य है क्या? सत्य कहने वाला नहीं है कोई भी और न सत्य समझने वाला कोई। अगर सत्य है तो बेंचो वो एक ना नहीं एक महीना में 6 महीना में तो लौटे आदमी, 1 वर्ष में तो लौटे आदमी। अब जो 1 वर्ष में नहीं आया आदमी क्या फायदा है ऐसे। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर के अशासकीय संस्थान शुभम कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली। रैली स्कूल संस्थान से प्रारंभ होकर शास्त्री कॉलोनी बस स्टैंड दुर्गा मंदिर चौराहा तलाई नाका इंदौर रोड होते हुए उप जेल पहुंचे, जहां जेल प्रांगण में वृक्षारोपण किया जिसमें एक बादाम का पौधा लगाया एवं फलदार पौधे लगाए। इस अवसर पर उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक प्रशांत पनीकर एवं उप जेल के समस्त स्टाफ उपस्थित थे। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। शासन की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना जो कि बहुत ही उत्साह के साथ आरंभ की गई, किंतु आज उस योजना का अस्तित्व समाप्त जिसमें पीएचसी विभाग दिखावे का निरीक्षण कार्रवाई पर लिपापोती कर दिया गया। ऐसे ही उमरिया जिले के नौरोजाबाद में लगभग 5 शालाओं से कछुए की चाल पर नल जल योजना का कार्य चल रहा है। नौरोजाबाद में वार्ड क्रमांक 6, 3 व 14 में अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हो पाया जिसमें शासन प्रशासन भी अनदेखा कर रही है। नरोजाबाद से दिलीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। धार विधायक नीना विक्रम द्वारा गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉपियों का वितरण कराया गया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत तिरला मंडल के ग्राम धामदा के शासकीय विद्यालय में विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा, युवा नेता ऋतु राज शर्मा द्वारा कॉपी का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य विजय डावर, श्रीमती गायत्री त्रिपाठी, श्रीमती रेखा श्रोती, महेंद्र दुबे, दिलीप कटारे, परम दास वैष्णव, कैलाश मुकाती, मान सिंह परमार, विष्णु पाटीदार, विक्रम परमार एवं पालकगण आदि उपस्थित थे। धार से मुन्नालाल मारू की रिपोर्ट। देवास खाते गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर अभी भी आंसू बहा रहा है। इन अव्यवस्थाओं के चलते गरीब तबके के लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। कई बार ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं कि मानवता भी झकोले खाने लगती है। ऐसा ही एक मामला शनिवार की सुबह 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाते गांव में देखने को मिला। शनिवार सुबह चिचली निवासी गोलू पिता रामविलास की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी, जिसे परिजन स्वास्थ्य केंद्र खाते गांव में लेकर आए थे। डॉक्टर बघेल ने गोलू को घोषित किया था। मृतक को हॉस्पिटल से पीएम रूम ले जाने तक के लिए परिजनों के पास वाहन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन की व्यवस्था के लिए परिजनों ने सभी दूर हाथ पैर चलाए लेकिन फिर भी वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब परेशान होकर परिजनों ने मृतक को पीएम रूम ले जाने के लिए परिजन को स्ट्रेचर का ही सहारा लेना पड़ा। परिजन स्ट्रेचर पर मृतक को तकरीबन 200 मीटर दूर पीएम रूम तक ले गए। जब इस संबंध में मृतक के परिजनों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमें हॉस्पिटल से कोई भी शव वाहन मुहैया नहीं कराया गया। इस संबंध में डॉक्टर बघेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में वर्तमान में कोई शव वाहन उपस्थित नहीं है, इस कारण से ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ये जो आप परिजन को लेके आए हैं आपके रिश्ते में लगते हैं क्या? हाँ। तो इनको आप हॉस्पिटल से यहाँ तकरीबन 200 मीटर दूर तक स्ट्रक्चर पे लेके आए, कोई वाहन वगैरह नहीं दिया गया आपको? सर वो मैंने बोला था अस्पताल में कि सर हमको गाड़ी दो, तो उनने बोला कि इसके ऐसे ही ले जाओ उसके आप तो। अच्छा, तो आप स्ट्रक्चर से हॉस्पिटल से यहाँ पीएम रूम तक लेके आए, कोई वाहन नहीं दिया गया आपको? नहीं, किसी ने नहीं दिया वाहन। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। बहराइच विशेश्वरगंज ब्लॉक के गंगवल में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में मौजूद सांसद केसरगंज विधायक पयागपुर विधायक बलरामपुर राजा गंगवल गंगवल राज महल के परिसर में चल रहा है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, विधायक
पयाग पूर्व सुभाष त्रिपाठी, विधायक बलराम पूर्व पलटू राम, राजा गंगवाल राजा, उदय प्रताप सिंह व कृष्ण कुमार सिंह, युवा मोर्चा संयोजक निशंक त्रिपाठी, महिला नेत्री डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, युवा मोर्चा के आनंद पांडे सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित है। यूपी के बहराइच से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस फॉर आवर सर्विस। द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू राइज ऑन द ग्राफ ऑफ बेटरमेंट फॉर every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions.